हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रशांत, आपका ट्रेड? तो अच्छा जी, मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्क्वीज नैरो रेंज में नजर आ रहा है आरबीएल बैंक में। दूसरी बात, आज का जो वॉल्यूम बिल्डअप है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई अच्छी प्राइस एक्शन आ सकती है, जो कि हमें गैप जो डेली चार्ट पे है वहां तक ले जा सकती है। वो गैप है 295 पे, तो 266 पे मेरी बाइंग रिकमेंडेशन होगी। पोजिशनल बीटीएसटी हर तरीके से स्टॉप लॉस रखेंगे 255, और जो टारगेट होगा वो होगा 290। 290 के लिए एक अपॉर्चुनिटी आरबीएल बैंक में तेजी की तरफ। शिल्पा, आपका पिक? जी, मेरा रहेगा बीटीएसटी पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 282.40 पैसा, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 278 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है 286 से 290 के बीच आपको ये जल्दी मिलेगा। ओके, पावर ग्रिड और आपका कॉल शिल्पा जी। रचना रचना जी, आप ट्रेड क्या कैरी करेंगे? जी, थैंक गॉड मेरा कॉल किसी ने ले नहीं लिया अभी तक। मुझे लेना है एलएनटी फ्यूचर्स में लॉन्ग, एंड एलएनटी एज ऑफ नाउ 3364 पे है, पर यहाँ पे ये आज की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो दिखी है वो भी डेली चार्ट पे अगर देखा जाए तो बहुत छोटी सी शुरुआत है अभी, और आगे स्पेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम अगर 3345 का एसएल लगाएंगे तो अपसाइड पे हमें बहुत ही जल्दी 3385 एंड 3400 के नंबर्स देखने को मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो ये 3400 की तरफ जाएगा। रचना जी, मुझे लगा आप बोलने वाली थी कि थैंक गॉड मेरा माइक म्यूट पर नहीं है, बट जोक्स अपार्ट, अब कौन बचा आखिर में? रुचित। हाँ रुचित, आपका ट्रेड? बीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो प्रीवियस स्विंग हाई जो स्टॉक ने बनाया था उसके ब्रेकआउट के वर्ज पर, और आज के जो वॉल्यूम्स हुए वो पिछले कुछ दिनों के एवरेज से काफी बेहतर वॉल्यूम्स हुए। सो आई थिंक ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ट्रेड है, तो एक अच्छा फॉलोअप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे 191 के नीचे स्टॉप लॉस के खरीदारी करके जाए 201 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। तो ये फिलहाल आपके लिए बीईएल का ट्रेड, जो वैसे भी डीलिंग रूम में चर्चा हुई थी यतिन के साथ, शायद आप ही के डीलिंग रूम में उन्होंने फोन किया होगा आज। चलिए, लेकिन एमएनएम